जय हिंद साथियों। साथियों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन डिफेंस पेंशनर के लिए है जिनका पेंशन डेटा CPPC से माइग्रेट होकर स्पर्श पर चला गया है, और कुछ डिफेंस पेंशनरों ने टोल फ्री नंबर से अपने स्पर्श के PPO नंबर भी प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि उन्हें यूजर ID और पासवर्ड नहीं भी मिले हैं, या फिर उनके मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट होने के कारण उन्हें जो है यह यूजर ID और पासवर्ड नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी अगर उनके पास स्पर्श का PPO नंबर है तो वो स्पर्श पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं साथियों। और आपको ये भी बता दूं, अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपका जो पेंशन में, जब आप मैसेज देख रहे होंगे, कई लोग देख रहे होंगे कि उनकी पेंशन जो है NEFT यानी नेफ्ट के थ्रू उनके खाते में आई है। तो साथियों, इसलिए आप लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दें। और लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है, मैंने आज के वीडियो में दो प्रकार से जो है आपको लाइव डेमो दिया है। नंबर एक DLC यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और नंबर दूसरा तरीका MLC यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। इसलिए साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही तरीके से पता लग जाए कि आपको जो है DLC किस प्रकार से देना है या MLC किस प्रकार से, क्योंकि अगर आप जाओगे लाइफ सर्टिफिकेट देने कहीं पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो बाई डिफ़ॉल्ट अभी स्पर्श पर नहीं आएगा आपको। आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पर चेंज करवानी पड़ेंगी, जो कि उनको भी शायद पता ना हो, जो आपके जो है कॉमन सर्विस सेंटर में बैठे हैं, साइबर कैफे में बैठे हैं, जहाँ पर भी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दोगे। इसलिए जो है इस वीडियो को देखें, और आपने वहाँ पर जाकर उनको भी बताना है कि हमारी इन डिटेल में ये चेंज किया जाए ताकि आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट डायरेक्ट स्पर्श को जाए। तो साथियों, चलते हैं डेमो की ओर। अच्छा साथियों, जैसे आप स्पर्श पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए तीन लाइनें आ रही हैं, क्लिक करना है, ऑप्शन खुलेंगे, वहाँ पे देखोगे तीसरे नंबर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आ रहा होगा, आपने आइडेंटिफिकेशन को क्लिक करना है। जैसे आपने इसे क्लिक किया तो देखिए खुल जाएगा आपका, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका जो है देखिए PPO नंबर आ गया, लास्ट आइडेंटिफिकेशन डेट आपकी आ गई है, और आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन ये दिखा रहा होगा। अगर आपका आगे का ड्यू दिखा रहा होगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर पिछला आ रहा होगा जैसे इसमें 2021 आ रहा था तो आपको करना पड़ेगा। तो आपने परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करना है, जो लेफ्ट जो नीचे नीला वाला बटन है, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये देखिए अब खुल गया है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार, यानी कि इसमें तो MLC होगा, आधार से DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपने पहले आधार को करना, अगर DLC देना है तो आधार को जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कनेक्शन फेल, अब ये लिख रहा है नो डिवाइस फाइंड, प्लीज़ कनेक्ट अ बायोमेट्रिक डिवाइस टू प्रोसीड। साथियों, अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इसमें लगाया हुआ है तो ये प्रोसीड करेगा, अगर नहीं लगाया हुआ है तो नहीं करेगा साथियों, क्योंकि उसमें अंगूठे का थंब देना पड़ता है वहाँ पर। तो वैसे वो 2,500-3,000 रुपये का आता है, मुझे नहीं लगता कि हर कोई लगाएगा उसको। अच्छा साथियों, अगर आपके पास डिवाइस है तो घर पर ही दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे या सर्विस सेंटर में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब जब आप वहाँ पर जाओगे तो देखिए वो जीवन प्रमाण का इस प्रकार का पोर्टल खोलेंगे, वहाँ पर ऊपर आपका आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद वो मोबाइल नंबर लिखेंगे, जब आपका मोबाइल नंबर लिख देंगे वो तो उसके बाद वो है जनरेट OTP करेंगे यहाँ पर, तो जनरेट OTP जैसे ही करते थे आपके मोबाइल में OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देंगे और इसे ओके कर देंगे। आपकी देखो इस प्रकार की पूरी डिटेल वहाँ पर स्क्रीन में आ जाती है, पर आपकी अलर्टनेस शुरू हो जाती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर पुराना डेटा, और आपको बोलना है कि मुझे जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर डालना है, तो उनसे चेंज करवानी है चीज़ डिटेल जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है साथियों, तो चेंज क्या करवाना है मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो सबसे ऊपर तो सर्विस तो लिखा ही रहेगा, जो फैमिली पेंशनर वो फैमिली लिखवाएंगे, नीचे सैंक्शनिंग अथॉरिटी में डिफेंस PCDA पी इलाहाबाद, और डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद, और एजेंसी में स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद लिखेंगे। PPO नंबर अपना चेंज करवाएंगे, पुराना रहेगा तो नया वाला डलवा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ईजी मैंने जो है एक फ़ोटो खींच के यहाँ पर डाल दी है ताकि आपको साफ साफ दिखे क्या क्या चेंज, क्योंकि पुरानी उसमें अपडेट रहेगी। आप इसको थोड़ा सा 5-7 सेकंड का ज़्यादा समय लूँगा आपका, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे दिखा देना कि ये डिटेल यहाँ पर भरनी है। अच्छा, इसको भरने के बाद जो है आपने क्या करना है, नीचे रीएम्प्लॉयड रीमैरिड तो यस नो करके आपने जो कंसेंट आता है उसे ओके करके स्कैन फिंगर कर देना। स्कैन फिंगर जैसे करोगे ये देखिए आपका बायोमेट्रिक डिवाइस में इस प्रकार की बत्ती चल जाती है लाइट, आपने वो लगा के आप स्क्रीन पे देखोगे, देखो आपका आ गया। अब आप इसको प्रिंट भी ले सकते हो, आपका पूरा डाटा आ जाएगा कि आप थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आप जो है यहाँ पे अगर प्रिंट चाहते हो तो प्रिंट करके, ये देखिए आपको प्रिंट इस प्रकार का आपका आ जाएगा, और आपको जो है अप्रूव के तौर पे कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट
दे दिया। अब इसके बाद बताऊंगा मैं MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। अब वापस आप अपने पोर्टल पे आओगे, ठीक है, अगर जिन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया वो चाहते कि MLC दे, तो ये देखिए आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे तो MLC आएगा, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा जनरेट MLC नंबर, ठीक है साथियों, तो इसको जो है आपने यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट MLC नंबर को। लेकिन आपने DLC दे दिया तो आपको ये ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं दूसरा बता रहा हूँ कि आपको ये देखिए आप नंबर जनरेट हो चुका है, आपने जैसे उसको क्लिक किया MLC सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपका जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे जो है आओगे तो डाउनलोड MLC सर्टिफिकेट आ रहा है, तो आपने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, मैनुअल तो मैनुअल ही होता है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, साइन करवाने पड़ेंगे, जैसे ही करोगे तो ये देखिए आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, बताएगा आपको PDF किसने खोलना है, तो आप इसमें PDF के थ्रू में खोल सकते हैं। आपने जैसे ही खोला तो इस प्रकार का आपका देखिए PDF आ गया, ऊपर लिखा रहेगा मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर स्पर्स, MLC नंबर रहेगा आपका जो है, जनरेशन की डेट रहेगी इसमें कब जनरेट हुआ, जो रेजिमेंटल नंबर आपका वो रहेगा, रिकॉर्ड ऑफिस रहेगा आपका, फिर नीचे लिखा हुआ इट इज सर्टिफाइड डेट आई हैव वेरीफाइड द पेंशनर श्री सो एंड सो होल्डर ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर या इस पर्स का नंबर एंड दैट ही इज अलाइव ऑन डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे उन्होंने लिख रखा कि जो है पेंशनर बेस्ड ऑन, यहाँ पे आधार लिख सकते हैं, पैन जो भी है जो नीचे आपने दे रखे और वहाँ पे नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है उनकी ऑफिस की सील लग जाएगी और डेट ऑफ साइनिंग लग जाएगा, साइन मार देंगे जो भी ऑथराइज ऑफिसर हैं। यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन, ऑफिस नेम, ऑफिस एड्रेस, उनका ईमेल जिन्होंने साइन किया है, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखवानी पड़ेंगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर इशूइंग लाइफ सर्टिफिकेट, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इनको। इसमें जो है आपका आइडेंटिफिकेशन जो भी ऑफिसर करेगा तो इनमें से ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं, चाहे एक्सेसमेंट पेंशनर की फ़ोटो ID कार्ड है वो दिखाओगे, चाहे आधार कार्ड है, ठीक है ना, या इनरोलमेंट नंबर, ECHS कार्ड है आपका, पासपोर्ट है, पैन नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सारी वोटर ID, किसान फोटो, पासबुक, तो ये चीज़ें हैं इन्होंने दे रखे इंस्ट्रक्शन कि आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो इनको लेके जाना है आपने, इनमें से जो है आप उनको दिखाएंगे, ठीक है, तो वो जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वेरीफाई कर देंगे अधिकारी, ठीक है। अब ये देखिए नीचे कुछ और भी चीज़ें लिख रखी कि ऑथराइज सिग्नेचरी मे प्रोवाइड हिज फुल डिटेल मेंशन एबो फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है, ऊपर पूरा डिटेल लिखना है वो जो ऑफिसर जो भी साइन करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट में रिजेक्टेड, ठीक है, इन केस ऑफ ब्लैंक और मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इसलिए लाइफ सर्टिफिकेट इसको पूरा भरना पड़ेगा, आपको बड़े ख्याल से भरना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो चेक पेंशनर इशू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट डिफेंस पेंशनर प्लीज़ विजिट, अच्छा कुछ आपको क्वेरी है तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या ऑथराइज ऑफिसर कौन है, इसमें आप देख सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। मैंने देखा मेरे कुछ तो मिला नहीं है उसमें कि कौन ऑथराइज ऑफिसर साइन करेंगे, मे बी कि गजेटेड ऑफिसर हों, बैंक के ऑफिसर हों, उनसे आप करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये मिला नहीं कि जो झूठ बोलना बेकार है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट मुझे मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन शायद आप गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए। देखिए MLC के जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा, कई सारे पढ़ सकते हो आप कैसे करके MLC करनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। अब देखो जब आप सर्टिफिकेट साइन करवा दिया तो वापस आपने आइडेंटिफिकेशन में आना है, साइन करवा के आपने उसकी फ़ोटो खींच लेनी है, अपने मोबाइल पे आओगे आइडेंटिफिकेशन में तो ये देखिए किस प्रकार का आएगा उसमें कि 28 इतनी तारीख को आपने किया और ड्यू इतना है, और आगे एक आई बटन आएगा, इसमें आपने इसको अपलोड करना है ना, तभी तो भेजोगे, आई बटन को क्लिक कर देना। आप आई बटन को क्लिक करोगे तो ये देखिए अब पूरी ऐसी डिटेल आएगी आपकी, MLC सर्टिफिकेट नंबर जो आपका था वो डालना है, नेम ऑफ साइनिंग अथॉरिटी जिन्होंने साइन किया था, डेजिग्नेशन लिखना उनका, डेट ऑफ साइनिंग कब साइन किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनिंग अथॉरिटी कौन से के हैं, वो बैंक के हैं या कुछ ऑफिसर हैं जो भी हैं गजेटेड ऑफिसर, तो सारी चीज़ें उनका एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, ये थोड़ा क्रिटिकल सा लगता है मैनुअल में, तो मैं तो यही सलाह करूँगा कि जो है आप जो है डिजिटल करवा लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आपने चूज फाइल, जब सारी चीज़ें आप भर दोगे तो उसके बाद चूज फाइल करना है, अब वो जो आपने मोबाइल में खींची हुई होगी फ़ोटो उसकी डिजिटल लाइफ जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, तो आपने फाइल में जाके वहाँ से उठा लेना अपना और यहाँ पे क्या कर देना आपने
नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना। नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन ओके मांगेगा, आपने उसको जो है करके सबमिट कर देना है और आपका जो है इसमें सबमिट हो जाएगा। साथियों, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, जल्द आऊँगा नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।